नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के YouTube सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसा खाना, कैसा भोजन, कैसा फूड हमें खाना चाहिए कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी देने के साथ साथ हमारी बॉडी को डिजीज़ फ्री भी बनाए, हमारी बॉडी को रिपेयर भी करे, हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखे। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ की पॉइंट्स हैं वो शेयर करेंगे। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें अपने खाने को वाइजली चूज़ करना है और इन तीन पॉइंट्स का स्पेशल ध्यान रखना है जब भी हम अपना खाना खाते हैं या खाने के लिए एक डाइट का प्लान बनाते हैं, तो हमें इन तीन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि हमें लिविंग फूड खाना है। लिविंग फूड से यहाँ क्या मतलब है कि ऐसा खाना, ऐसा भोजन जिसमें जीवन हो, जिसमें प्राण हो, जिसमें लाइफ हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम अपने घर में गेहूं, चना, दाल, मूंगफली, ये सब अनाज ग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम ग्रेन्स के कुछ दाने या सीड्स अगर हम ज़मीन में डाल दें और उसको ज़मीन में डाल के कुछ दिन तक पानी देते रहें, तो पानी देने से क्या होगा, उसको पोषण मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, अर्थ सॉइल से उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और वो एक नए सैपलिंग में, नए पौधे के रूप में ग्रो कर जाएगा। तो वो जो ग्रोथ है, यानी कि उस पर्टिकुलर सीड के अंदर लाइफ थी, अगर उसको न्यूट्रिशन दिया हमने तो उसने एक नई लाइफ को पैदा किया। तो ऐसे फूड को हम लिविंग फूड कहते हैं। हमें प्रोसेस जो कि हमारा फार्म से फैक्ट्री में जाके प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस होने से क्या होगा, वो पका दिया गया है, कुक हो गया है, वो पता नहीं कितने महीने पहले कुक हो गया है, जैसे ब्रेड बन गया या कैचअप बन गया, टमाटर का कैचअप बन गया, या और भी जितने भी प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स हैं जो कि ब्रांड्स के पैकेज्ड फूड, रेडी टू ईट वाले फूड पैकेट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं ताकि वो एकदम फ्रेश स्मेल करें और शेल्फ लाइफ उनकी बढ़ जाए। आप एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर देखें कि जब हम घर में खाना पकाते हैं तो वो एक दिन के अंदर अंदर ख़राब हो जाता है, लेकिन आप अगर शेल्फ वाले खाने को देखते हैं तो वो महीनों महीनों तक सुरक्षित रहता है। तो क्यों रहता है? क्योंकि उसमें केमिकल्स डाले गए हैं उनकी, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो केमिकल्स हमारी सेहत को नुकसान करते हैं और वो हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं। वो खाना नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है जो किसी कंपनी ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। तो आपको प्रोडक्ट नहीं खाने हैं। प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू फूड। तो आपको भोजन और प्रोडक्ट में, फूड और प्रोडक्ट में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट एक कंपनी अपने फ़ायदे और मुनाफे के लिए बनाती है और भोजन आप अपने पोषण और अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए बनाते हैं। वहाँ आपका जो बेनिफिट है वो सर्वोपरि है, लेकिन जब एक कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वहाँ कंपनी कस्टमर की हेल्थ ना देख के अपने प्रॉफिट के ऊपर फोकस करती है। तो आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना, आपको होलसम लिविंग, आपको लिविंग फूड खाना है और वो भी फार्मूला क्या यूज़ करना है, डायरेक्ट फार्म से आपकी प्लेट में आना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट फार्मूला। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना फूड चॉइसेस करें तो फूड चॉइस में आपको हेल्दी चॉइसेस करनी है। जैसे अगर आपका नमकीन भजिया भजिया खाने का मन कर रहा है तो आप उसकी जगह पे ढेर सारे अच्छे अच्छे सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं, आपका कोक या लिमका या कुछ और भी कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने का मन करे तो आप उसको रिप्लेस कर लें ग्रीन जूसेस से या फ्रूट जूसेस से या फिर आप कोकोनट वाटर से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप अपने हेल्दी चॉइसेस फूड की करेंगे तो आपकी सेहत यकीनन इम्प्रूव होगी और आप एक डिजीज़ फ्री बॉडी के मालिक बनेंगे। सेकेंड, आपको होलसम खाना है। होलसम का मतलब संपूर्णता से भरपूर, जैसा मदर नेचर ने जिस फॉर्म में उसको ग्रो किया है, कोशिश करें उस फूड को उसी फॉर्म में कंज्यूम करें। जैसे अगर आलू है तो आलू को आलू की तरह ही खाएं, उसकी पोटैटो चिप्स ना बनाएं, उसको बॉईल कर लें, बेक कर लें, तले ना, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो आप शुगर केन ले लें, शुगर केन खाएं। अगर उसका थोड़ा सा और रिफाइंड हल्का प्रोसेस्ड फॉर्म लेना है तो आप उसका गुड़ ले लें, लेकिन आप उसको चीनी की फॉर्म में ना खाएं। खांड खा सकते हो, गुड़ खा सकते हो, लेकिन चीनी ना खाएं।
उसी तरह से अगर आपको मीठा खाना है तो मीठे फ्रूट्स खा लें डायरेक्ट, तो जो कि बिल्कुल भी जिनमें कोई प्रोसेसिंग इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही आप गेहूं है, चना है, चावल है, चावल को आप ब्राउन राइस के फॉर्म में खाएं, वाइट राइस की फॉर्म में ना खाएं, गेहूं को आप चोकर के साथ खाएं, चने को आप कंप्लीट छिलके के साथ खाएं, उसके चने की दाल बना के ना खाएं, चने को भिगो के, मूंगफली को भिगो के डायरेक्ट आप खा सकते हो। तो आप अनकुक्ड मील ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम तो एटलीस्ट अनकुक्ड मील आप लें अपने, और सॉक्ड अनकुक्ड मील आप ग्रेन्स के फॉर्म में ले सकते हैं। तो होलसम लें, पूरा संपूर्णता से भरपूर, जिसमें उसका जैसे नारियल का तेल अगर आप यूज़ करते हो तो नारियल तेल को, तेल एक्सट्रैक्शन से क्या होगा तो नारियल का सारा रफेज डिस्कार्ड हो गया, तो आप क्या करो पूरा नारियल लो, उसको कद्दूकस करो, कद्दूकस करके आप अपनी सब्जी में डाल दें, तो उससे क्या होगा नारियल का तेल भी चला गया और उसका जो रफेज था, जो मदर नेचर ने उसको रफेज में बाइंड करके तेल को डाल के दिया था, तो वो रफेज भी आपका कंज्यूम हो गया, तो आपकी बॉडी को रफेज भी मिल गया, आपकी बॉडी को ऑयल भी मिल गया। तो इस तरह से आप अपने फूड चॉइसेस को इम्प्रूव करें, तो होलसम खाएं। और जो थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका खाना एकदम प्योरली प्लांट बेस्ड होना चाहिए। आपको मीट, फिश, एग ये नहीं खाना है, कोई भी एनिमल प्रोडक्ट आपको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के प्रोसीजर में होते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो आपको प्योरली अपने आप को प्लांट बेस्ड मील पे स्विच कर देना है। आपको सारे एनिमल प्रोडक्ट्स अपने खाने से निकाल देना है, डेयरी आपको कोई नहीं लेना, दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट कोई नहीं लेने। अगर आपका दूध पीने का मन है तो आप कोकोनट ले, उसको बारीक बारीक चॉप करके पानी डाल के मिक्सी में ग्राइंड करके स्क्वीज करके फ्रेश कोकोनट मिल्क बना लें। ऐसे ही आप मूंगफली का को भिगो के और मूंगफली से मूंगफली का दूध बनाने को पीनट मिल्क बना लें। तो इस तरह से आप प्लांट बेस्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं, और जितना हो सके आप वेजिटेरियन रहें। वेजिटेरियन जो फूड है वो आपकी बॉडी के लिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंगली बना है, तो अगर आप इन तीन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो यकीनन आपकी बॉडी को एनर्जी के साथ साथ अपने आपके खाने से आपको एनर्जी के साथ साथ आपको एक हेल्दी ऑप्शन मिलेगी, और ये जो हेल्दी ऑप्शन फूड की होगी, ये हेल्दी ऑप्शंस आपके पूरे के पूरे शरीर को रिपेयर करेंगे, हील करेंगे और आपकी बॉडी को डिजीज फ्री बनाएंगे। तो आप ध्यान रखें, आपको अपने बॉडी की कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए फूड बना की चॉइस करनी है, क्योंकि हमारी बॉडी की कंपोजिशन क्या है, 70% हमारी बॉडी में वाटर है और 30% अदर सॉलिड कॉम्पोनेंट है। तो हमें अपना खाना जब चूज करना है तो 70% वाटर बेस्ड फूड हमें लेना है, जिसमें हमारे फ्रेश फ्रूट जूसेस हो गए, फ्रेश वाटर रिच वेजिटेबल्स हो गए, वाटर रिच फ्रूट्स हो गए, जैसे वाटरमेलन, मेलन, ठीक है, एप्पल, पपाया, और आपके खीरा, ककड़ी, एश गॉर्ड, गॉर्ड, ठीक है, एंड घिया, तोरी, टिंडा, पेठा, तो दीज आर द वेजिटेबल्स, और आपकी लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी हैं वो सारी आप इंक्लूड करें। तो इस तरह से 70% आपको अपने खाने में वाटर रिच कंटेंट वाला फूड आइटम्स रखने हैं, और जो 30% आप ग्रेन्स ले लें, नट्स ले लें, ठीक है, और बाकी आइटम्स आप ले लें। तो अगर इन सब 70-30 के रेशो को आप अपने हर एक मील के अंदर फॉलो कर पाए तो यकीनन आपका जो भोजन है वो आपकी मेडिसिन का काम करेगा, आपका फूड आपको मेडिसिनल इफेक्ट्स देगा और आप एक हेल्दी और डिजीज फ्री बॉडी के मालिक बनेंगे। उम्मीद है आज का कंटेंट आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सेहत पर काम करते रहें। फिर मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ।